Assalamualaikum class, how are you all? Subject हमारा SST है, page number हमारा 7 to 8 है, lecture number 2 है. पिछले lecture में हमने मुल्क और के इस्लाम के बारे में पता किया था, जिसमें हमने अपने मुल्क के बारे में ही ज़्यादा पता किया था और ये भी पता किया था कि जिस मुल्क में जितनी पढ़ाई है, जिसने ज़्यादा knowledge होती है, इसकी life expectancy ज़्यादा होती है. ये था हमारा lecture number 1. आज हम lecture number 2 पढ़ने हैं, इंशाल्लाह chapter को हम तब भी करेंगे. लेकिन सबसे पहले हमने क्या करनी है, इसकी वर्ड्स मीनिंग देखेंगे. वर्ड्स नंबर वाले रेफर मीन्स हवाला देना, यानी किसी चीज़ के बारे में आपने इशारा दे देना कि यहाँ से रेफरेंस लेने हैं या यहाँ से पता करना है. एडॉप्ट मीन्स इख्तियार करना या अपना लेना. फाउंडेशन कहते हैं बुनियाद, यानी किसी चीज़ की बुनियाद, किसी चीज़ का स्टार्ट होना. नंबर 4 है डिक्लेयर, ऐलान कर देना, किसी चीज़ को बता देना कि हाँ हमने ये कर लिया है. नंबर 4 है 5 है कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि आईन, वहाँ के रूल उसूल. एंटी इस्लाम कहते हैं इस्लाम के मुखालिफ, इस्लामिक मतलब जो इस्लाम में हो, एंटी इस्लामिक मतलब इस्लाम के मुखालिफ हो. देन क्या है सेक्युलर, ला मजहब, जिसका कोई मजहब ना हो. न्यूट्रल कहते हैं जो किसी के साथ ना हो, यानी आजादाना. ये तमाम वो वर्ड्स थे जो पेज नंबर 7 to 8 की जब आप लोग रीडिंग करेंगे तो ये वर्ड्स आपको नजर आएंगे, तो आप लोगों ने रीडिंग लाजमी करनी है. वेरी फर्स्ट क्या है आज हमारा, इस्लामिक स्टेट. इस्लामिक मतलब हमारा मजहब, आप लोगों को पता है. स्टेट कहते हैं रियासत. The term Islamic state refers to states that have adopted Islamic law as an ideal foundation for their political system. अच्छा जी, इस्लामिक स्टेट क्या होता है, जो अपने पॉलिटिकल सिस्टम यानी अपनी सियासत के उसूलों के लिए इस्लाम को अपना मजहब डिक्लेयर कर देता है या अपने फाउंडेशन बुनियाद बना देता है. अफगानिस्तान, ईरान एंड सऊदी अरबिया आर कंट्रीज ऑफ दिस टाइप. ये वो कंट्रीज हैं जो इस तरह के हैं, जिन्होंने अपने पॉलिटिकल सिस्टम को इस्लाम की बुनियाद पे फाउंडेशन पे रखा है. देन स्टेट रिलीजन, स्टेट रिलीजन इस्लामिक, यानी वो क्या करते हैं, अपने स्टेट रियासत के रिलीजन को इस्लाम बना देते हैं. अ स्टेट रिलीजन इज अ रिलीजन ऑफिशियली अडॉप्टेड बाय द स्टेट. अच्छा, ये क्या करते हैं, अपने मजहब को इस्लाम को क्या करते हैं, अपने रियासत के मजहब के तौर पर डिक्लेयर करते हैं. सम कंट्रीज हैव डिक्लेयर्ड इस्लाम एज देयर स्टेट रिलीजन, और कुछ मुल्कों ने बाजारी तौर पर ये वाजे कर दिया है कि इस्लाम उनका स्टेट रिलीजन, उनके रियासत का मजहब है. देयर नोन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट इस्लाम. अच्छा, उनके रूल लॉ यानी कानून और उनके जो आइन होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, वो बिल्कुल इस्लामिक नहीं होते मुकम्मल तौर पर. बट नो एंटी इस्लामिक लॉ कैन बी पास इधर. लेकिन कोई गैर मजहब यानी कि जो इस्लाम में शामिल ना हो, ऐसा भी कोई लॉ या आइन उनमें इंक्लूड शामिल नहीं होता. यानी वो मुकम्मल तौर पर तो इस्लामिक ना भी हो, लेकिन कोई भी गैर मुस्लिम लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन उसमें शामिल नहीं होता. और अल्जीरिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये वो कंट्रीज हैं जिन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि इस्लाम का स्टेट रिलीजन है. सेक्युलर स्टेट, आ सेक्युलर स्टेट इज अ स्टेट और कंट्री दैट इज ऑफिशियली न्यूट्रल इन मैटर ऑफ इस्लाम. अच्छा, ये एक ऐसा स्टेट जो मजहब के तौर पर आजादाना हो. यानी यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि सेक्युलर मीनिंग ला मजहब, जिसका कोई मजहब फिक्स ना हो. दे नीदर सपोर्ट और अपोज, ना तो ये मुकम्मल तौर पर सहारा देते हैं या सपोर्ट करते हैं, और ना ही अपोजिट मुखालिफ होते हैं एनी पर्टिकुलर रिलीजियस बिलीफ, किसी भी मजहबी रिलीजन या यकीन के तौर पर और प्रैक्टिसेस या उस पर अमल करने के तौर पर. इट डज नॉट गिव बेटर ट्रीटमेंट, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे हो किसी को टू आर सिटीजन बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर रिलीजन, किसी भी एक मजहब से जो लोग बिलोंग करते हैं. यानी ऐसा नहीं है कि एक इन्होंने कोई मजहब एक फिक्स हो जाता है कि हमने इसको ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करना है, बाकी सब एक तरह है. इन्होंने सबको इक्वल दिया हुआ है, यानी सब आजादाना तौर पर रहते हैं. देन क्या है आपका, नो डिक्लेरेशन. डिक्लेरेशन की मीनिंग क्या बताई थी इसमें, नहीं बताई. अच्छा, डिक्लेयर का मतलब होता है, हाँ जी है, ऐलान करना. डिक्लेयर का मतलब होता है ऐलान करना, और नो डिक्लेरेशन यानी कोई भी ऐलान ना करना. दीज कंट्रीज आर नॉट कंसिडर्ड इस्लामिक स्टेट, ये जो मुल्क होते हैं ये कंसिडर नहीं करते, बताते नहीं हैं इस्लामिक स्टेट को, यानी इस्लामिक स्टेट नहीं होते. नॉर आर दे सेक्युलर स्टेट, और ना ही कोई ला मजहब होते हैं. ऐसा नहीं है कि इनको कोई मजहब नहीं है, और ऐसा नहीं है कि इसमें कोई मजहब नहीं है. नहीं, डिफरेंट डिफरेंट मजहब के लोग एक तरह से एक साथ रहते हैं. दे ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ अ सेक्युलर स्टेट,
उनकी जो रियासत के उसूल होते हैं वो तो सेम होते हैं लेकिन उनका मजहब एक नहीं होता, यानी फिक्स नहीं होता कि इस रियासत का मजहब बस यही है। बट दैट इज नॉट मेंशन इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन उनके आईन में मेंशन नहीं होता कि हाँ भाई ये एक ही इसी मतलब से रिलेटेड है, वो क्या होता है फिक्स नहीं होता। तुर्की इज वन सच कंट्री और इस तरह के जो मजहब में शामिल है वो हमारा तुर्की है। अच्छा जी, आपने इसके बाद क्या करना है, जब आप ये रीडिंग कर लेंगे तो एक्सरसाइज बी पेज नंबर 9 आपने सॉल्व करनी है और एक्सरसाइज एफ पेज नंबर 11 आपने सॉल्व करनी है, जो कि मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, लुक एट हियर, मैच द फ्लोइंग। आपने क्या करना है, पेज नंबर 9 पे मैचिंग करनी है। इस्लामिक स्टेट है, स्टेट रिलीजन है, सेकुलर स्टेट है, नो डिक्लेरेशन है, इन तमाम कंट्रीज के नेम इनके हेडिंग्स में मेंशन है। आप इनको मैच करके बताना है कि कौन सा किससे मैच कर रहा है। देन आपके क्या है, एक्सरसाइज एफ पेज नंबर 11 यहाँ पे क्या करना है, नेम ऑफ कंट्रीज है, इनके स्टेटस बताने हैं, एरियाज बताने हैं, पॉपुलेशन, कंट्री, लैंग्वेजेस, ये भी आपको आपके चैप्टर में मिल जाएगा। ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 2, जिसमें आपने हमने पूरे चैप्टर की रीडिंग भी कर ली, लेक्चर अटेंड किया है और एक्टिविटीज एज अ होमवर्क भी दे दिए। आई होप आप लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अल्लाह।